अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब स्टूडेंट की स्टडी के अंदर उनके हल फरमाए। और जो आप स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम हो रहे हैं AbzDS मुल्तान के, अल्लाह ताला एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स को कामयाब करे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है AbzDS मुल्तान के हवाले से, एक काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो एक सवाल पूछ रहे हैं AbzDS के एनुअल एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मतलब उन्होंने कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हुआ है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर, हमने सुना है कि हमें कुछ दोस्तों ने या किसी रिसोर्स से उन्हें पता चला है कि जो AbzDS मुल्तान एनुअल एग्जामिनेशन ले रही है, ये सिर्फ फॉर्मली ले रही है, बाकी AbzDS मुल्तान जो है वो डिसाइड कर चुकी है कि सब स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा। तो ये है स्टूडेंट का सवाल, जिसका जवाब इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर दूंगा। स्टूडेंट से गुजारिश है, जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक दे दें। और स्टूडेंट से एक और भी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके एनुअल एग्जामिनेशन अब हो रहे हैं, उनका जो भी जिस भी सब्जेक्ट का जिस स्टूडेंट का पेपर है, तो जब वो पेपर हो जाता है तो उसकी एक साफ सा इमेज यानी पिक बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप कर दिया करें, ताकि मैं उसको अपलोड कर दूँ। कल को हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास पेपर आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन चैनल पर होगा तो हमें ईजिली मिल जाएगा और साथ ही स्टूडेंट्स को भी मिल जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट चलते हैं सवाल की तरफ। फैसला कर चुकी है तो स्टूडेंट के इसी सवाल के जवाब में मैं स्टूडेंट्स आपको वाजह तौर पर ये बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कोई फार्मली किसी को पास करने का फैसला नहीं किया हुआ। आप अपने पेपर पर फोकस करें। इससे ये होता है कि जब इस तरह की न्यूज़ मिलती है तो स्टूडेंट जो है वो अपने पेपर पर फोकस नहीं करते और बाद में भी सप्ली आ जाती है। लिहाजा ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, सिर्फ वो इंग्लिश वाला रिलीफ है। इंशाल्लाह इंग्लिश में तो सारे स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएंगे और बाकी जो है ना किसी सब्जेक्ट के अंदर या पास होने की कोई ऐसी कन्फर्मेशन नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ आनी और ना ही आप लोगों ने होना है। लिहाजा आप अपने स्टडी पर पूरा फोकस करें और बकाया जो आपके पेपर रहते हैं रिमेनिंग पेपर्स, उनके अंदर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करें उन्हें, ताकि किसी किस्म के बाद में मसला ना बनाओ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप स्टूडेंट को ये बात क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।